अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जिस चीज़ का मैं विज़िट करूँगी वो है मेट्रो पाकिस्तान। ये सुपर स्टोर है जो बहुत अच्छा है, हर टाइप की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। और आइए इसका विज़िट करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि चीज़ों की प्राइस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखें, सबसे पहले जो एंटर होके थे वो कपड़े थे, और उसके बाद ये इन्वर्टर्स थे। कपड़ों की मैंने क्लिप नहीं बनाई क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं थे। बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। इन्वर्टर्स की आप प्राइस देख सकते हैं, ये आप देखें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर्स हैं। ये आप देख सकते हैं प्राइसेस, इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये देखें, ये वॉशिंग मशीन्स हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। बच्चों के सेक्शंस भी थे, ग्रॉसरी भी थी, हर तरह के जो हैं वो सेक्शंस डिफरेंट बने हुए थे। तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल थी। प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं था हर चीज़ का, नॉर्मल जो लोकल मार्केट होती है उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था चीज़ों का। आप एक ही स्टोर में आके अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, इजी टू शॉपिंग। ये आप देख सकते हैं बच्चों की भी सारी चीज़ें। तो चलें आए आगे चलते हैं, आगे विज़िट करते हैं। मैट्रेस और कारपेट्स जो हैं वो भी अवेलेबल थे और उनकी प्राइसेस जो हैं वो स्लाइटली मुझे हाई लगी। बाकी जो चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो वेरी गुड प्राइस थी। वेजिटेबल्स जो हैं, तकरीबन हर तरह की वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, फ्रेश थी, ऐसा नहीं था कि अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वेरी गुड थी। फूड बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वेरी गुड वैरायटी। जो चीज़ है, मिल्क है, ब्रेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड जो है अवेलेबल थी, वेरी नाइस। ये देख सकते हैं आप मोबिलिटी बाइक्स जो हैं उनकी प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी हाई थी। और बाकी मुझे मार्केट का नहीं पता कि ये मार्केट में किस प्राइस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा लगा। अच्छा जी, बाकी जो है बहुत बड़ा स्टोर था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये जी हम क्रॉकरी वाली साइड पर आ गए हैं और क्रॉकरी जो है वो ठीक थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। मुझे क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लगी, बट अच्छी वैरायटी थी। जो पड़ी हुई थी चीज़ें वो वेरी नाइस पड़ी हुई थी। ये हम फिर स्टार्ट में आ गए हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि कपड़े थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, ये वो वाला सेक्शन है। हम राउंड अबाउट करके अपना स्टार्ट में दोबारा आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं उसके अपोजिट साइड पे जा रही हूँ और यहाँ पर जो चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूड है, नोटेला भी पड़ा हुआ था, वेरी हाई प्राइस थी नोटेला की। आई डोंट नो मार्केट में क्या प्राइस है, बट 1600 जो बिग जार है वो 1600 का लगा हुआ था, जो 4 पाउंड का आता है। आप ये
तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको विज़िट करवाया मेट्रो पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो मेट्रो स्टोर है वो कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।